तो दोस्तों लाल वाला जो ब्लाउज आप सबको दिखाई थी, कुछ इस तरह डिजाइन इसका बना है। देखिए यहाँ पर ये आगे गला जो होता है, इसमें भी डिजाइन मैं बना देती हूँ। देखिए अच्छा यहाँ, नहीं है, देखिए ऐसे घास निकल रहा है। तो दोस्तों इतना सारा घास निकला, देखिए ये घास। हमें खा लिया, हम सब पढ़ने जा रहे हैं। अंजलि नहीं जा रही है आज, इनका पेपर नहीं है। सब लोग तैयार हो गए, जूता डाली थी मोजा, जो तो देख रहे हैं, चेक कर लेते हैं, नहीं तो ये अभी फिर चेक करना पड़ेगा। लू भूनने के बाद में अलाव में कबाड़ा बन जाता है, भरता लगा लेते नमस्कार हैं। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज़, आप सबको अच्छा लगेगा। मस्त नमस्ते मस्त तो दोस्तों यहाँ पर आलू और बैंगन ले ली हूँ। देखिए सुबह सुबह तो आग में आलू भूनने के लिए डाल रहे हैं, भरता लगाएंगे। आज आलू बैंगन का भरता बनेगा चोखा। तो दोस्तों यहाँ पर बैंगन को डाल रहे हैं, तो यहाँ ढक देते हैं। चलिए अंजलि अलाव ताप रही हैं, अब चलते हैं खाना बनाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, स्कूल भेजते हैं। दाल चावल रख दी हूँ पकने के लिए, दाल चावल हमारा पक रहा है। यहाँ चावल चला रही हूँ, दाल दो सीटी लग गया तो यहाँ चावल को, तो यहाँ पर हमारा दाल पक गया है। दाल को उतार देते हैं, यहीं पे रख देते हैं चाय को, पर दूध में चाय, तो चाय में दूध डाल देती हूँ, बोल रही थी दूध में चाय डाल देती हूँ, तो हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो दोस्तों यहाँ हमारा चाय उबल गया है, तो यहाँ चाय पक गया है, थोड़ा और पका लेते हैं। चावल पक गया है, उतार देते हैं, तो चावल को भी उतार के रख देते हैं। तो दोस्तों दाल चावल तो बन गया है, चाय भी पक गया, यहाँ आटा गूंथ रहे हैं। आज लेट हो रहा है, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार भी हो रहे हैं। तो यहाँ सीता गुंजन तैयार हो गई हैं, जा रही हैं स्कूल, और अंजलि का आज पेपर नहीं है, सबका पेपर है, तो अंजलि नहीं जा रही है, तैयार भी नहीं हुई है, बाल बाल सब बिखरा है वैसे। यहाँ कटोरी में चाय निकाल दी, कटोरी में पियेंगी ताकि जल्दी ठंडा हो जाए और पी भी लें। और अंजलि यहाँ पर पिएगी गिलास में, अंजलि को स्कूल नहीं जाना है। 5 रुपए का नमकीन आया है, सबको इसी में बांट के देना है, और थोड़ा थोड़ा है तो कटोरी। तो यहाँ पर दे देते हैं मूंगफली के दाना वाला नमकीन। तो आज पेपर है तो चाय पी के जा रहा हूँ स्कूल। तो इतना धीमे से बोलेंगे कि सुनाई ही ना पड़े। सब लोग को चाय नाश्ता दे दी हूँ, अब खाना खा लेंगे, स्कूल चले जाएंगे। हमें खा लिया, हम सब पढ़ने जा रहे हैं। अंजलि नहीं जा रही है आज, इनका पेपर नहीं है। सब लोग तैयार हो गए, जूता मोजा पहन लिए, सब सैंडल पहन लिए जो दीदी दी थी, तो ये सब पहन के जा रहे हैं। अभी स्वेटर नहीं पहन रहे हैं, सब निकल रहे हैं। बच्चे स्कूल पे जा रहे थे सुबह, आप सबको बच्चों को दिखाई कि स्कूल तैयार होके जा रहे हैं, वैसे डेली जाते हैं, तो शाम को वीडियो शूट करते हैं, कुछ क्लिप सुबह शूट कर लेते हैं, तो ऐसा होता है। और अब बच्चे चले जाते हैं, खाना बना लेते हैं, बाकी खाना बनाना बाकी है। हाँ आलू डाली थी जो, तो देख रहे हैं, चेक कर लेते हैं, नहीं तो ये जल जाएगा या तो कच्चा ही रह जाएगा। बैगन सब भून लाई हूँ, यहाँ छिलका उतार रही हूँ, उतार के अभी इसका भरता लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये बैगन आलू भूनने के बाद में अलाव में कबाड़ा बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ नमक मिर्ची मैं ले ली हूँ, और चलती हूँ पीस लेती हूँ, भरता लगा लेती हूँ। यहाँ सिलबट्टे पे भरता लगा रहे हैं, आलू का छिलका जला हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर भरता लगा ली हूँ, बैगन आलू बैगन का चोखा
निकाल लेते हैं। बैंगन का चोखा लगा हुआ है, बहुत अच्छा। तो दोस्तों आज किचन गार्डन का सफाई कर रही हूँ, घास बहुत उग गया है, बच्चे तो स्कूल पे सब चले गए हैं, खाना बना के रख दी हूँ, अभी खाना नहीं खाए। और फूल बहुत अच्छे से देखिए गुलाब का फुलाया हुआ है, तो यहाँ घास उखाड़ रहे हैं, साफ कर रहे हैं हाथ से ही घास, और बहुत दिन हो गया साफ नहीं की, वैसे पड़ा रहने दी, अच्छा नहीं है। देखिए ऐसे घास निकल रहा है। तो दोस्तों इतना सारा घास निकला, देखिए ये घास बहुत हो गया, तो फेंक दी यहीं पे, सड़ जाएगा, खाद हो जाएगा, फिर उठा लेंगे। अभी इधर साइड का निकालना बाकी है, यहाँ का तो साफ कर दी पूरा। तो यहाँ का सारा पौधा बांध भी दी और पूरा घास निकाल दी, सब बहुत कूड़ा हो गया था, इतना बड़ा बड़ा हो गया, बिल्कुल ताज़ा हरी सब्जी निकलेगा, आई कर दी। मिर्ची फरती रहती है तो राई भी करते रहते हैं, बहुत कम मिर्ची खरीदना पड़ता है देखिए। और यहाँ मिर्ची का पौधा भी डाल दी हूँ, बेरन सब पौधा निकल रहा है, बैठाएंगे। की बार धनिया लहसुन ये सब बुआई नहीं कर पाए हैं, अब की हो सकता है खेत में सब बुआई करेंगे। तो दोस्तों किचन गार्डन का सफाई की, पूरे पौधे का सिंचाई भी की, और यहाँ पर खाना खाने जा रहे हैं, बैगन का भरता, रोटी, चावल, दाल, अंजलि खाना है, अंजलि खाई पापा में। तो यहाँ पर सभी बच्चे आ गए हैं, खाना खा रहे हैं स्कूल से, और चांदनी किधर है, चांदनी यहाँ पर बैठी है, तो सब लोग खाना खा रहे हैं। खा लीजिए। अंजलि वहाँ लगी है उनके साथ में, अरे मार रही है। ऐसा काम क्यों कर रही हूँ अंजलि। तो कल आप सबको दिखाई थी कि ब्लाउज हमारा कुछ इस तरह, इसको काटी थी, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका डिजाइन देखिए कुछ इस तरह बनाई हूँ, पीछे का गला यहाँ पर पूरा ये कंप्लीट हो गया, लाल वाला ब्लाउज इस तरह डिजाइन इसका बना है देखिए यहाँ पर, बताना ये डिजाइन आप सबको कैसा लगा। और हर ब्लाउज में ये आगे गला जो होता है इसमें भी डिजाइन मैं बना देती हूँ, देखिए यहाँ आगे गला में देखिए डिजाइन बनाते हैं कटिंग करके, ये देखिए यहाँ से गया है यहाँ, गोल गला बिल्कुल नहीं बनाई हूँ, ये अच्छा लगता है बहुत। हमारी जितनी बहनें देख रही हैं सिलाना इस तरह, बहुत अच्छा लगेगा। इसका बाजू बड़ा बनाई देखिए, अब इससे बड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और ये वाला भी कंप्लीट हो गया, डोरी नहीं लगा था, डोरी भी लगा ली। और ये वाला तो कंप्लीट हो ही गया था, इसका काज बटन सब कर दी। इस वाले साड़ी का ये वाला ब्लाउज है, तो पहनेंगे, आप सबको दिखाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कल वाले कमेंट में सभी भाई बहन बहुत अच्छे से कमेंट किए, हमारे सभी बहनें बोल रही थी संगीता जी सिलाई वाला मशीन ले लो किसी न किसी तरह, और एक दो भाई बहन बोल रहे थे कमेंट बॉक्स में अपना अकाउंट नंबर दीजिए मैं भेजता हूँ। तो दोस्तों अकाउंट नंबर मैं कैसे दे सकती हूँ वहाँ पर, तो नहीं दे पाएंगे, और इसके आगे क्या कहूँ, कुछ लोग और कुछ बोलेंगे जो है, कमेंट करेंगे जो भी है जैसा भी है, कभी देखेंगे होगा तो लेंगे, नहीं तो हमारे चंदन बड़े हो जाएंगे, पढ़ रहे हैं, कुछ बन जाएंगे तो हमारे लिए मशीन खरीद देंगे, तो हो सकता है तब तक तो ऐसा होगा कि वो ज़माना ही बदल जाएगा, हाथ का सियाई चलेगा ही नहीं, दूसरा आ जाएगा कोई फैशन, है ना। अब तो बिना यहाँ हम देख रहे हैं गांव में ये बाजू रहता ही नहीं, ब्लाउज पहन रहे हैं सब लोग, तो अच्छी बात नहीं है बिना बाजू का ब्लाउज। और कई बहनें बोली हैं संगीता आप ब्लाउज का बाजू छोटा क्यों रखती हो, अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ तक बड़ा बाजू रखने से और फिटिंग ब्लाउज सिल दें तो ऐसे हाथ इधर उधर मोड़ा भी नहीं जाता, और उसके बाद में कोई काम करने में दिक्कत होता है, तो इसीलिए नहीं
फुल बाजू का सिलते और हमें पहनने में अच्छा भी नहीं लगता। तो एक दौर फैशन पहले चलता था, इतना ही बाजू चलता था, उससे पहले और बड़ा बड़ा बाजू चलता था, और अब तो बड़ा बड़ा बाजू सिला रहे हैं। तो सिलती हूँ मीडियम में, जैसा भी पसंद रहता हो वैसे सिल लेते हैं। और हम सबको आप समझ सकते हैं डेली साड़ी ही पहनना होता है, कभी कभी पहन लेते हैं, और नहीं तो यहाँ गांव में साड़ी ही पहनना होता है, तो जान समझ के सिलाई भी करना पड़ता है क्योंकि हमें डेली पहनना है। तो यही बात हो जाता है। तो वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्ते। 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 नमस्ते।